दिलीप कंजावला केस में आज मृत लड़की का अंतिम संस्कार होने वाला है और परिजन शव को लेने के लिए दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज पहुंचे। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं कि इस केस में लगातार पुलिस जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और लड़की के परिवार वाले मौलाना आजाद अस्पताल में पहुंचे हैं, शव लेने के लिए परिवार पहुंचे क्योंकि आज अंतिम संस्कार होना है पीड़िता का। परिवार वाले पहुंचे हिरासत में लेकर कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है क्योंकि उस पार्टी में रात को क्या क्या हुआ था पुलिस अब उसकी भी गहनता से जांच कर रही है। तो कुछ लोग उस होटल में मौजूद थे बताया जा रहा है लड़की के साथ और वो कौन लोग थे इसलिए पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है क्योंकि मैनेजर जो है वो लड़ाई की बात कर रहे हैं। तो क्या कुछ झगड़ा हुआ दो तीनों के बीच, चारों के बीच, ये सब अब तहकीकात का विषय है। लड़की के परिजन इस वक्त मौलाना आजाद अस्पताल पहुंचे। सुशांत मेहरा संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। सुशांत, परिवार पहुंचा है अस्पताल में शव लेने के लिए लेकिन साथ ही साथ हिरासत में भी लिए जाने की खबर है, कुछ लोगों को लिया गया है पूछताछ के लिए। देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं कि परिवार के जो सदस्य हैं उनके मामा और उनके जो चाचा हैं और उनके जो करीबी हैं वो इस वक्त मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जो है वो पहुंचे। आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर जो पीड़ित है उसका पोस्टमार्टम जो है वो कर लिया गया, उसके बाद अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो उनको दी जाएगी और आज ही उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। करण विहार जहाँ पर उनका अपना घर है वहां पर अपना इस गुड़िया का जो अगर कहा जाए तो अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई सारे लोगों को जो है वो पुलिस ने हिरासत में भी लिया, कई परिवार के सदस्य और करीबी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से कई और लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले के अंदर हुई है क्या कुछ? सर देखिए, मैं बस एक ही चीज कहूंगा, जैसे बर्बरता 31 दिसंबर को उसके साथ हुई है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। कल यहाँ जब पोस्टमार्टम हुआ था मैं यहाँ पर अवेलेबल था, वीडियो रिकॉर्डेड पोस्टमार्टम हुआ है, अभी इसकी रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी। मैं आपके माध्यम से, आज तक के माध्यम से, मैं हमारे दिल्ली के LG साहब विनय कुमार सक्सेना जी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि ये बालिका के परिवार से मिले और इसको अश्योरिटी दें कि ये पांचों लोगों को जो है फांसी की सजा दी जाएगी, सिर्फ ये एक मुद्दा बन के ना रह जाए। सर बात सामने आ रही है कि जो पीड़िता थी उतनी दोस्त के साथ थी निधि के नाम, क्या उसकी जानकारी आप सब लोगों को हो ये है या नहीं? सर मुझे लगता है निधि का आइडेंटिफिकेशन शायद उनकी मदर कर पाएंगी बट वो अभी उस स्थिति में नहीं है। बात रहती है जैसे मैंने बताया कि वो मैनेजमेंट का काम करती थी तो उस हिसाब से उसकी कोई फ्रेंड हो सकती है। 1:30 बजे का वो CCTV है जिसकी आप बात कर रहे हैं, 1:30 बजे का, और 2 बजे के CCTV में वो कोई नहीं है।